किसी ने सही कहा है, लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल, और बॉलीवुड में भी ये बात अप्लाई होती है। पुराना दौर एक बार फिर से लौट चुका है और कई पुरानी फिल्में दोबारा से सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। तुम बार से लेकर रहना है तेरे दिल में रॉकस्टार लैला मजनू परदेश सहित कई फिल्मों को हर फ्राइडे री रिलीज की जा रही है। पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा था, लेकिन इस साल बॉलीवुड की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी ने सारी मस्ती छीन ली हो। पठान और जवान जैसी फिल्मों की यादें अभी भी ताजा है, लेकिन इस साल तो बस स्त्री 2, कल की 2898 एडी और शैतान जैसी फिल्में हिट रही। साल 2018 में जब लैला मजनू सिनेमाघरों में आई थी तो लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया था, मगर कुछ साल बाद जब इसे दोबारा दिखाया गया तो जादू सा चल गया। लोगों ने फिल्म को दिल से लगा लिया और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। कुछ ऐसा ही कमाल रॉकस्टार के साथ भी हुआ। इस फिल्म ने भी रिलीज के बाद लोगों का दिल जीत लिया और करोड़ों रुपए कमा लिए। कोरोना वायरस आने की वजह से साल 2020 में बड़े बड़े थिएटर्स पर ताला लग गया था। सिनेमाघरों में ऑडियंस को बिना डर के लौटने में तकरीबन 3 साल लगे। ऐसे में मल्टीप्लेक्स से लेकर बड़े बड़े थिएटर के मालिकों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इस बात से सब वाकिफ है कि 80, 90 और 2000 के दौर की फिल्मों का अपना ही क्रेज रहा है। ऐसे में जिन्होंने उस समय अपनी पसंदीदा फिल्में नहीं देखी है, वह अब उन मूवीज को देख पा रहे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर ऑडियंस पुरानी फिल्मों को थिएटर में देखने आए, इसके लिए वह टिकट प्राइस भी कम रखते हैं, जो लोगों को भी महंगी नहीं लगती। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स के दीवाने सिर्फ 90 के किड्स ही नहीं है बल्कि आज की जनरेशन भी है। आज के जैन जी ने उनकी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में सुनते तो है लेकिन देखा नहीं है। सलमान खान को एक्शन करते देख शायद उनके युवा फैंस ये नहीं जानते कि एक समय पर वह सिर्फ फैमिली और रोमांटिक फिल्में करते थे। ऐसे में वह अपने पसंदीदा सितारे की फिल्म को देखने के लिए थिएटर का रुख कर रहे हैं। ऐसी ही मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।